लोगों का कहना है कि हम विकास को ध्यान में रखते हुए इस बार अपने विधायक को चुनेंगे और वहीं उपचुनाव जो हो रहा है ये उपचुनाव नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं यह भी बहुत गलत लोगों के मन में एक भावना है कि ये उपचुनाव नहीं होना चाहिए था, हमें वही 5 साल हमारे एक विधायक है जो 5 साल हमारे रहने चाहिए। तो वहीं यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में जिस तरह से मतदान केंद्र में एक चहल पहल सी सुबह से देखने को मिल रही है, क्योंकि जनता जागरूकता के साथ घर से बाहर निकल कर मतदान कर रही है। और सुभाषराज विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा के लोग काफ़ी संख्या में महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। और आपको मैं सामने दिखाना चाहूँगी कोरोना महामारी जिस प्रकार से फैली हुई है, इसको भी ध्यान देते हुए इसे कहीं ना कहीं अनदेखा नहीं करते हुए सामने देख सकते हैं, जिससे एक आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कोरोना विजय की राह पाइए चलो मतदान करके आए भाइये। मतलब 6 फीट की दूरी है जरूरी और इसके साथ मास्क जरूरी और सैनिटाइज, हाथ को सैनिटाइज करना ज़रूरी है। इस बात को भी लोगों को हर मतदाताओं को बताने के लिए इस तरह के लाइन्स हर जगह मतदान केंद्र के बाहर लिखे हुए देखने को मिल रहे हैं। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।